नमस्ते मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ई कुंजी पर अंजीर को लोग अनजाने में ही दूसरे फ्रूट्स की तरह खाते रहते हैं जिसके कारण अंजीर के पूरे फायदे नहीं मिल पाते हैं आज मैं आपको बता रहा हूं कि अंजीर को कैसे खाना चाहिए दोस्तों अंजीर में दूसरे फलों के मुकाबले में कैल्शियम आयरन और पोटेशियम का ही गुना ज्यादा होता है इसमें विटामिन सी ए डी बी और फाइबर भी खूब होते हैं अंजीर में इतना सब कुछ है लेकिन लोग इसे खाने का सही तरीका नहीं जानते इसलिए इसमें मौजूद इन सभी चीजों का फायदा नहीं उठा पाते हैं आप अंजीर को ताजा और सुखाकर दोनों तरह से खा सकते हैं अंजीर में कैंसर से लड़ने की भरपूर ताकत होती है रोजाना पानी में भिगोया हुआ अंजीर खाने से ब्रेन और लीवर कैंसर में कैंसर वाली सेल्स का बढ़ना रुक जाता है एक रिसर्च के अनुसार अंजीर खाने वालों को ब्रेन कैंसर का खतरा सत्तर प्रतिशत तक कम हो जाता है दो अंजीर रात भर पानी में भिगो सुबह थोड़े से दूध में उबालकर खाने से खांसी मेंटल टेंशन खून की कमी बवासीर ठीक हो जाते हैं और दमा में तुरंत फायदा मिलता है ताज़ा अंजीर में फैट कैलोरीज फाइबर और प्रोटीन सूखे अंजीर की तुलना में कम मात्रा में होते हैं लेकिन पोटेशियम खूब होता है जिसके कारण रोजाना एक ताज़ा अंजीर खाना लो बीपी के लिए बहुत फायदेमंद होता है अगर मेमोरी कमजोर है तो मेमोरी बढ़ाने के लिए एक सूखे अंजीर को बादाम और पिस्ता के साथ खाना चाहिए इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं ये मेमोरी बढ़ाने के साथ साथ बच्चों की हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है और आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है ताज़ा अंजीर में मौजूद पोटेशियम के कारण बॉडी में मौजूद कैल्शियम बाहर नहीं निकलता जिससे हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। इसलिए रोजाना एक ताज़ा अंजीर दिन में किसी भी टाइम पर खाने से ऑस्टियोपोरोसिस होने की रिस्क नहीं रहती और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो उनको बहुत फायदा मिलता है सूखा अंजीर खाने में गर्म होता है इसलिए रात को तीन अंजीर पानी में भिगो सुबह खाली पेट खाने चाहिए और जिस पानी में भिगोया है उसे भी पी लेना चाहिए इससे कब्ज थकान एसिडिटी कमजोरी और पिम्पल्स तुरंत ठीक हो जाते हैं दोस्तों अब तो आप जान ही गए हैं कि अंजीर के ढेर सारे फायदे आप कैसे उठा सकते हैं दोस्तों ऐसे ही कारगर और 100% परसेंट एसिड नुस्खे देखते रहने के लिए यहाँ क्लिक करें